जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्री 7054 में स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हूँ दोस्तों हिंदी का सुपर टेस्ट। ये हमारा 31वां सुपर टेस्ट चलेगा यूपी ट्रिपल एस की पेट यूपी पुलिस हिंदी के आल एग्जामों के लिए। ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और पेट के एग्जाम पर अंतिम प्रहार अब करना है दोस्तों, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बतानी है। किसकी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त, ऑप्शन नंबर बी उपरियुक्त, ऑप्शन नंबर सी उपरियुक्त, ऑप्शन नंबर डी उपरी उक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, वर्तनी शुद्ध करने की बात की जा रही है, तो उपरुक्त की अगर बात की जाए तो हमारा उपरुक्त लिखा कैसे जाता है? उपरुक्त हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुद्ध वर्तनी और पर्यायवाची विलोम से अधिक शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बात करते हैं क्या दोस्तों, औदार्य, औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा शब्द ठीक है? दोस्तों जैसे ये वाला ठीक है, वैसे ही व्यवहार में हमारा कौन सा ठीक है, यह आपको बताना बहुत ईजी है दोस्तों। इसे देखते ही आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारी, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारी, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर व्यवहार की बात करते हैं तो इस प्रकार अगर पूछा गया है तो दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे दोस्तों आपको अशुद्ध बतानी है, किस शब्द की अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अनंग, ऑप्शन नंबर बी परिहास, ऑप्शन नंबर सी व्यंग, ऑप्शन नंबर डी हास्य। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों अशुद्ध की बात की जा रही है तो यहाँ पे अशुद्ध हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अशुद्ध शब्द, तो हमारा क्या जो व्यंग है ये हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सही से आपको दोस्तों क्या आंसर टिक करने हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे सभी लोग राइट आंसर करेंगे इसका। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर करता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो 4 में दोस्तों शुद्ध वर्तनी हमारी क्या हो जाएगी? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, दोनों ऑप्शनों में क्या है, सेम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी दोस्तों, बी और डी, बी और डी हमारे दोनों हो जाएंगे, वी और डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी और डी हमारे दोनों सही आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर ए श्रुषा, ऑप्शन नंबर बी श्रुषा, ऑप्शन नंबर सी श्रुषा, ऑप्शन नंबर डी श्रुषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे हमें दोस्तों शुद्ध वर्तनी बतानी है, क्वेश्चन नंबर 5 की शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों? श्रुषा शब्द की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध रूप किस प्रकार से लिखा जाता है यह आप लोग जानेंगे दोस्तों। जो सा है, सा में हमारा छुटू की मात्रा लगेगी और इस सा में बड़ू की लगेगी और ये वाला सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये वाला सा है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें दोस्तों छुटू की मात्रा लगी तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संक्रमक, ऑप्शन नंबर बी असाध्य, ऑप्शन नंबर सी महामारी, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? विकट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, जिस रोग का ठीक होना अगर दोस्तों असंभव हो तो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? असाध्य, असाध्य शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या दोस्तों? जिसमें संदेह ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? जिसमें संदेह ना हो तो उसके लिए एक शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध, ऑप्शन नंबर बी असंदिग्ध, ऑप्शन नंबर सी चिंतनीय, ऑप्शन नंबर डी अचिंत्य।
तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, जिसमें संदेह ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असंदिग्ध कहेंगे, और जिसमें संदेह हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जिसे शीघ्र, दोस्तों क्या, जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दम्भी, ऑप्शन नंबर वी ज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी आशुतोष, ऑप्शन नंबर डी प्रसन्ना। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जिसे शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आशुतोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो समाप्त हो गया, क्या दोस्तों, जो समाप्त हो गया के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जो समाप्त हो गया उसके लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो समाप्त हो गया तो उसे क्या कहेंगे, इति श्री, श्री गणेश, आदि, इत्यादि। दोस्तों जो समाप्त हो गया तो उसके लिए क्या कहेंगे, इति श्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सैंदव का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमारी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो सैंदव का पर्याय हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सैंदव की अगर पर्याय की बात करते हैं, सैंदव कहते किसे, सैंदव दोस्तों घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची, तो घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया। ठीक है दोस्तों, इनके दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये सैंदव के हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची हमारा कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तम, ऑप्शन नंबर बी अंधेरा, ऑप्शन नंबर सी तिमिर, ऑप्शन नंबर डी रुद्र। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तम, तम माने भी अंधेरा होता है, और अंधेरा होता है, ठीक है, अंधकार अंधेरा होता है, और तिमिर माने भी अंधेरा होता है। बात करते हैं रुद्र, तो रुद्र का दोस्तों, रुद्र जो होता है अंधेरा का पर्यायवाची नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा गया चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कालाधर, ऑप्शन नंबर बी रजनीश, ऑप्शन नंबर सी मयंक, ऑप्शन नंबर डी बिहंग। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों कालाधर हो गया, रजनीश हो गया, मयंक हो गया, ये तीनों दोस्तों किसके, चंद्रमा के हैं। बैंग की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिंग, केसरी, ऑप्शन नंबर वी हाथी, करीवर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, आंशुमाली, ऑप्शन नंबर टी यमुना मंदाकिनी। तो दोस्तों शब्द युग्म सही नहीं है पूछा गया, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सिंह का केसरी होता है, बिल्कुल सही है, हाथी का करीवर होता है, ये भी सही है, और सूर्य का दोस्तों आंशुमाली होता है। लेकिन दोस्तों यमुना की अगर बात करते हैं तो मंदाकिनी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्या, मंदाकिनी नहीं होता है, इतनी बात क्लियर। तो इसका क्या होता है, कालिंदी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर वी यण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी अयाद संधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे, महर्षि में संधि कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, जिसमें लास्ट में ऋषि लग जाता है, ऋषि की मात्रा, तो वहां पे हमारी कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या हो जाती है, गुण संधि। और गुण संधि की एक और पहचान है दोस्तों, अंतिम में ऋषि होगी, नहीं तो दोस्तों बीचों बीच शब्द में एक मात्रा होगी इस प्रकार से, तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि होगी। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यण संधि की अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों क्या होता है, या और दोस्तों वा से पहले कोई दोस्तों आधा व्यंजन आ जाएगा, तो वहां पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि में दोस्तों क्या होता है, दो मात्राएं होती हैं बीचों बीच में दो मात्राएं होती हैं, इतनी बात याद। अयाद की बात करते हैं, अयाद का दोस्तों अधिकतर क्या होता है, तीन अक्षर, क्या दोस्तों, कहने का मतलब है तीन वर्ण का शब्द मिलेगा, तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, वहां पे दोस्तों हमारी अयाद संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
माता पिता शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों माता पिता ऑप्शन नंबर है द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारी, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीय। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है माता पिता। दोस्तों माता पिता में बहुत ही सिंपल बात है, जहाँ पे योजक चिन्ह लग जाता है और दोस्तों अधिकतर क्या होता है विलोम होता है, तो माता के विलोम पिता, आकाश का विलोम पाताल, तो इस प्रकार के शब्द मिले तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों द्वंद समास हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारे क्या होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद कैसे होते हैं प्रधान होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कभी कभी भी दोस्तों हमारा क्या लोप चिन्ह जो होता है, जो दोस्तों ये हमारा योजक चिन्ह होता है इसका दोस्तों लोप हो जाता है, तो नहीं दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, तो वहां पे हमारा देख लेना है विलोम शब्द हो तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मूल आंकना, ऑप्शन नंबर बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन नंबर सी लागत मात्र देना, ऑप्शन नंबर डी मोल भाव करना। तो दोस्तों दाम लगाना, तो दाम लगाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा यह आपको बताना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर दाम लगाने मुहावरे का अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा मूल आंकना। मूल आंकना का मतलब दोस्तों क्या होता है मूल लगाना, यानी कि उसके मूल्य दाम लगाना, तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा मूल आंकना। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान। दोस्तों यहाँ पे क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति की दी ताजमहल। दोस्तों यहाँ पे क्या है ताजमहल का, दोस्तों ताजमहल डेस, यहाँ पे डेस कर लीजिए दोस्तों, डेस का एक अद्भुत नमूना है। क्या है दोस्तों शिल्प कला हो जाएगा, या दोस्तों स्थापित्य कला हो जाएगा, चित्रकला हो जाएगा, या दोस्तों मूर्ति कला हो जाएगा। दोस्तों ये मूर्ति तो है नहीं, ठीक है दोस्तों, ना ही ये चित्रकला है, और शिल्प कला की बात की ना तो ये शिल्प कला है। दोस्तों इसका इसकी स्थापना की गई थी, तो ये क्या हो जाएगा स्थापत्य कला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके क्या दोस्तों उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरे क्या दोस्तों मेरे मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे जैसे उड़ी जहाज पे पंछी फिर जहाज पे आवे। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूपक, ऑप्शन नंबर सी विभावना, ऑप्शन नंबर डी यमक। तो इसमें आपको बताना है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कि उपमा यानी कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का को पक्षी फिर जहाज पे आवे, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हो किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे दोस्तों उपमा की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों, तो उपमा की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा उपमा। इतनी बात क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अशुद्ध, यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए श्याम, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी सुसमृद्धि, ऑप्शन नंबर डी स्थिर। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध पूछा गया है, अशुद्ध आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में अगर अशुद्ध की बात करते हैं स्थिर, स्थिर नहीं होता स्थावर होता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारे क्या है ये शुद्ध है, श्याम सम्मान क्या दोस्तों सुसमृद्ध, और दोस्तों स्थिर जो है हमारा अशुद्ध है। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेक अर्थक नहीं है, ठीक है दोस्तों, शब्द भेद शब्द का अनेक अर्थक नहीं है, फूट रहस्य छेदन दर। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों, फूट हो गया, रहस्य हो गया, छेदन। अगर बात की जाए इन तीनों की तो ये तीनों हमारे एक ही शब्द के अर्थ निकालते हैं, एक ही अर्थ निकलते हैं, लेकिन दर की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारा अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वर्णना, वर्ण की अगर बात करते हैं वर्ण ना मा तथा अणा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर कंठे, ऑप्शन नंबर ई तालु, ऑप्शन नंबर सी नासिका, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। देखिए दोस्तों जब हम बोलेंगे ना मा अणा तो दोस्तों क्या है नाक पर जोर पड़ता है, किस पर दोस्तों नाक पर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे नासिका हो जाएंगे। तालु की बात करते हैं तो कंठ का
जब हम का वर्ग दोस्तों पूरा बोलेंगे तो हमारा कंठे पर जोर पड़ेगा, का ख गा घा, ठीक है दोस्तों। अगर तालु की बात करते हैं तो तालु, तो तालु में हमारा क्या हो जाएगा, तालु में हमारा हो जाएगा चा, जैसे चा छा, चा वर्ग हमारा पूरा किसमें आएगा, तालु, ये बोलेंगे तो ये तालु के अंतर्गत जाएगा। ओष्ठ की बात करते हैं, जब दोस्तों पा, फा वर्ग के अक्षर जब हम बोलते हैं फा फा वा भा, तो हमारे क्या ओठों, ओठों से बोले जाते हैं, तो दोस्तों हमारे क्या ओष्ठ हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अड़चन, अपेक्षा, अफवाह, आचरण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अगर हम 22 के राइट आंसर की करें बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, अड़चन, अड़चन क्या दोस्तों होती है, अपेक्षा की जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है, आचरण होता है, किसी व्यक्ति का कैसा आचरण है, तो दोस्तों ये हमारे क्या जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, बाकी तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगे, तो यही हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी अंगार, ऑप्शन नंबर सी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पर्वतों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंखला कहते हैं। इतनी बात क्लियर, क्या श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे अगर श्रृंखला की शुद्ध वर्तनी बुझी जाए दोस्तों, ये अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी इसकी क्या हो जाएगी, ये श्रृंखला की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, यह आपको बताना। अश्मयंक, ऑप्शन नंबर डी, बी असमंजस, ऑप्शन नंबर सी असहमति, असहमति, ऑप्शन नंबर डी असमर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले की बात करते तो हमारा क्या हो जाएगा, असमंजस आएगा, क्या असमंजस, इतनी बात क्लियर। देखिए दोस्तों कैसे आया, पहले या आया फिर सा आया, ये तो दोस्तों सब में हो रहा है, सभी में, तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे मा आया, यहाँ पे भी मा आया, यहाँ पे दोस्तों हा, तो हा बाद में आता है, यहाँ पे भी दोस्तों हा बाद में आता है, ठीक है दोस्तों, तो मा आया। अब दोस्तों यहाँ से या आया, या बाद में आता है, जा सबसे पहले आता है, मा दोस्तों जाके बाद में आता है, ठीक है दोस्तों, और था भी बाद में आता है, तो क्या आ जाएगा, असमंजस हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए आशा, ऑप्शन नंबर बी अंधेरा, ऑप्शन नंबर सी आंचल, ऑप्शन नंबर डी आंसू। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे, तत्सम पूछा गया, तो दोस्तों जिसमें हमारी ये चंद्रबिंदी लगी मिल जाए तो भाई हमारा कैसा हो जाएगा, तद्भव, इतनी बात याद रखनी है। और जिनमें दोस्तों ऊपर रहा होगा और इस प्रकार से दोस्तों नीचे रहा होगा, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।